आज इम्तिहान है, इम्तिहान है हमारे इश्क का, इश्क का, इश्क के नाम पर, नाम पर फना होने की रात का, रात का सर झुकाओ चांद, चांद इब्लिस ने सलाम भेजा है, भेजा है। मरियम मरियम मामू जान, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपने हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा है? और अबू जान, अबू जान कहाँ हैं? आप जानते हैं ना कि अगर अबू को पता चला कि आपने हमें यहाँ कैद करके रखा है तो आपकी खैर नहीं, जानते हैं ना आप? ये टूटे हुए तारे में अचानक चमक कैसी? खलल डराओ, खलल डराओ। ये कैसी बला है जो चांद की ओर जा रही है? कहाँ है अबू, बताइए ना कहाँ है अबू? मरियम, मरियम तुम्हारे अबू वहां हैं जहां से वो कुछ भी नहीं कर सकते। मछली की तरह तड़पना बंद कीजिए और तरस आता है। सारी जिंदगी आपने मामूली गली में सर झुका के बिता दी, कम से कम मरते वक्त तो अपना सर उठा लीजिए। बताइए, बिना शर्माए बताइए, अपनी कब्रगाह पर आप क्या लिखाना पसंद करेंगे? हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। लिखवाना, अली बाबा अकेले अपने दम पर शाही सड़क के कायरों से लड़ा, क्योंकि एक कायर की बात उसके दिल को चुभ गई थी। क्या हुआ लीफी? वो सरोवर के लोगों ने बाबा को पकड़ के रखा है, वो बहुत मार रहे हैं उन्हें। खुसरो भाईजान को भी चोट पहुंचाई है। बचपन से लेकर आज तक कितनी नायाब चीजें दिखाई हैं तुम्हें मरियम, आज भी तुम्हें कुछ नया दिखाऊंगा। नजर चांद पर रखना मरियम, चांद ग्रहण हटते ही तुम्हें अब्बू नजर आएंगे। अरे घोपिए खंजर बिरादर, इसको कब तक बकवास सुनेंगे इसकी? मिसाल ऐसी बना दो कि आगे से मामूली गली का कोई भी शाही सड़क की तरफ आए तो उसकी रूह कांप जाए। ये दादी को क्या हुआ है? दादी तो हमेशा खलल दरार बोलती थी, आज आज दरारे खला क्यों बोल रही है? दरारे खला। ये दूर जाता हुआ तारा अचानक चांद की तरफ कैसे मुड़ गया? Yeah.
देखो शैतानों ने यलगार कर दिए, अब आएगा मजा। यलगार अब टूटेगा चांद। बीस साल बाद दादी अपने कमरे से बाहर निकली है, ये तो करिश्मा हो गया। दरारे खला, दरारे खला। ये हो क्या है? ये क्या हो गया? ये कैसा कह रहे हैं? देखो तो बताइए क्या हो रहा है। डरो मत गुलरीस, दलदला है, थम जाएगा। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा की मदद करनी होगी, वो पता नहीं किस हाल में होंगे। अली, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। चलो चलो चलो, सर संभाल के, हाथ पकड़ के रखो। पापा, आपको बहुत चोट लगी है ना बाबा? बहुत दर्द हो रहा है ना पापा? नहीं नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो? बाबा की दादी जान 20 साल बाद कमरे से बाहर आई है। ये तो उन्हीं की आवाज है। दादी जान 20 सालों बाद अपने कमरे से बाहर निकल आई। दादी दरारे खला। दादी जान दरारे खला, दरारे खला, दरारे खला, दरारे। बस वो पल आने वाला है मेरी प्यारी भांजी, नजर मत हटाओ, बस देखती रहो इस चांद को।
जब तक आसमान में चांद सलामत है, चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार, सारे गुनाहगार। खूबसूरत चांद, साल से जो दादी कहती आ रही थी उसके मायने ये हैं, मगर दादी को पता कैसे था? मेरे नूरे निगाह, कर दिखाया हमने, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हमने, नेस्तो नबूद कर दिया इस चांद को। इंसान क्या जाने इश्क की ताकत क्या होती है। हम दोनों को अलग करने का जो गुनाह किया ना इन्होंने, अब उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। जब तक वो
हो जाओ। चांद सलामत था आसमान में, पत्थर की कब्र में थे वो गुनेगार सारे। टूट गया मुस्तफा का तिलसिम, अब जाग उठेंगे मेरे 40 चोर। आजाद होने वाले हैं वो 40 चोर। कहर बरसने वाला है पूरे काबुल में। खुशामदीद मेरे 40 चोरों। तेरा मुकद्दर अब बदलने को है, तेरे साथ जुड़ी है किसी और की लकीरें, उसकी तकदीर भी बदलने को है। किसकी तकदीर दादी, किसकी बात कर रही हो आप? मामू जान, हमें हमारे अब्बू से मिलना है, बताइए वो कहाँ? सच सच बताइए, आपने क्या किया उनके साथ? कहाँ है अब्बू जान, बताइए मामू जान। इतनी बेचैनी क्यों है मरियम? और ये कोई तरीका है अपने मामू जान से बात करने का? बेचैन तो मैं हूं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए, लेकिन अब्बू से नहीं, अभी नहीं। आज तुम मिलोगी और खुशामदीन करोगी हमारे नए मुस्तकबिल का। 40 चोरों का। जिंदगी मुबारक हो मेरे सिपाहियों, इस्तकबाल करो शहंशाह इबलिस का। इबलिस। काबुल के लोग भूल गए कि तबाही क्या होती है। याद दिलाओ उन्हें, राख कर दो पूरे काबुल को, पनाह कर दो, उनकी लाशों पर चल कर जाओ, ढूंढ कर लाओ तलिस्मान। जिससे तुम्हारे आका फिर से जिंदा हो उठेंगे। सिखा दो इंसानों को कि इबलिस या तलिस्मान लेने की कीमत होती है।